स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्लास 6 साइंस चैप्टर 11। चैप्टर 11 का लास्ट पार्ट हमारा बच गया था। लास्ट पार्ट आज हम रीड करेंगे। इसका पेज नंबर 113 आपको ओपन करना है। लेट्स स्टार्ट। रिफ्लेक्शन एंड इमेजेस। हमने कल लूनर और सोलर इक्लिप्सिस के बारे में रीड किया था। इसके अलावा शेडो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो रीड किए थे हमने, ठीक है। आज हम रिफ्लेक्शन और इमेजेस के बारे में रीड करेंगे। तो देखो, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस इट इज मेड टू बाउंस बैक इन द सेम मीडियम इन विच इट वॉज ट्रेवलिंग अर्लियर। यानी जब किसी भी सरफेस पर लाइट गिरती है, यानी प्रकाश गिरता है, तो वहाँ से बाउंस होके बैक, बाउंस होके कहाँ पे, सेम मीडियम में, वो क्या होता है, जहाँ पे पहले ट्रेवल किया था उसी मीडियम से वापस बाउंस होके आ जाता है लाइट। दिस फिनोमिनन इज रेफर्ड टू एज रिफ्लेक्शन। और इसी घटना को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन बोला जाता है। यानी ये बुक है, बुक पे लाइट गिरी और वापस यहाँ से जिस रास्ते से लाइट आई है उसी रास्ते से वापस से बाउंस होके चली जाएगी, तो उसी को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। वी सी रिफ्लेक्शंस ऑफ आवर सेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी हम रिफ्लेक्शंस को देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, वी सी रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स, अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वॉटर ऑफ अ पॉन्ड और लेक, एंड वी सी अदर ऑब्जेक्ट्स डेट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी कभी कभी हम ट्रीज के, बिल्डिंग्स के, या फिर अदर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके रिफ्लेक्शंस देखते हैं, कहाँ पर, वॉटर जो होता है पॉन्ड का या लेक का, ठीक है, तो वहाँ पर देख पाते हैं। इसके अलावा अगर मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं तो उनको भी हम देख सकते हैं। वैन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर वी आर एबल टू सी अवर इमेज। यानी जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम हमारी इमेज को देखने में एबल हो पाते हैं, देख पाते हैं। हम मिरर के सामने जैसे ही खड़े होते हैं तो हमारी शक्ल दिख जाती है, यानी जितना बड़ा मिरर है उस हिसाब से दिख जाएगी। वाई इज़ इट सो, यानी ऐसा क्यों होता है। इट इज़ बिकॉज द मिरर गिव्स अस अ फ्लिप्ड इमेज। यानी कि क्योंकि जो मिरर होता है वो फ्लिप्ड इमेज हमें देता है, यानी उल्टी इमेज प्रदान करता है। द लेफ्ट साइड विल अपीयर एज द राइट साइड एंड वाइस वर्सा। यानी कि मिरर में लेफ्ट साइड कौन सी दिखाई देती है, राइट साइड दिखाई देती है, और राइट साइड कौन सी दिखाई देती है, लेफ्ट साइड दिखाई देती है। होल्ड योर बुक्स टाइटल पेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी मान लो कि आपकी बुक है, उसको अगर आप यहाँ से इस जगह से ये जो टाइटल पेज है इसका, इसको इस तरह से सामने कर दोगे मिरर के, तो आपको मिरर में कैसा दिखाई देगा, बताओ कैसा दिखाई देगा, क्या आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। नो, इट इज़ बिकॉज द लेटर्स आर बीइंग फिल्ड। क्योंकि जो इसमें लिखे हुए जो लेटर्स है वो फ्लिप्ड हो जाएंगे, यानी उल्टे दिखाई देंगे मिरर में। यानी क्योंकि उसमें लेफ्ट साइड राइट और राइट साइड लेफ्ट साइड दिखाई देती है, यानी जस्ट उल्टा दिखाई देता है। हाउ डज अ मिरर फॉर्म एन इमेज। यानी जो मिरर होता है वो किस तरह से इमेज को बनाता है। यू नो दैट वी सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स एंड रीचेस अवर आइज। यानी हम जानते हैं, वी सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स एंड रीचेस अवर आइज। यानी हम किसी भी वस्तु को कब देख पाते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है मान लो उस पर लाइट गिरती है, प्रकाश गिरता है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज तक पहुंचता है, और इसी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसका रिफ्लेक्शन करता है, और रिफ्लेक्शन होकर जब लाइट कहाँ पर आता है, हमारी आइज में आता है। जैसे मिरर होता है तो लाइट को क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। When this reflected light reaches our eyes, we see a copy of the object in the mirror in the direction of the reflected light. और जब ये मिरर क्या हो, जब मिरर के सामने हम खड़े होते हैं तो मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और ये लाइट कहाँ तक पहुँचती है, हमारी आइज तक पहुँचती है, और इसी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी को मिरर में देख पाते हैं। कौन सी डायरेक्शन में, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसी डायरेक्शन में देख पाते हैं। वी कॉल दिस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और उसी को हम क्या बोल देते हैं, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये बच्चा है, ये मिरर में अपने आप को देख रहा है, तो यहाँ पे यहाँ से मिरर से क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आइज तक पहुँचती है, और हम हमारी इमेज को या किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को मिरर में देख पाते हैं।
ऑन द अदर हैंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज। यानी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है किसके, मिरर और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके बराबर होती है। यानी देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जैसे ये बच्चा है ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी और मिरर की दूरी यानी इससे मिरर की जो डिस्टेंस होगी वही इमेज और मिरर की डिस्टेंस के बराबर होगी। सो द डिस्टेंस बिटवीन अस एंड अवर इमेज इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन अस एंड द मिरर। यानी इसीलिए क्या होगी, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस बराबर है, ऑब्जेक्ट और मिरर की और फिर मिरर और इमेज की दोनों की बराबर है, इसीलिए जो डिस्टेंस हम अगर खड़े होते हैं तो हमारी इमेज से और हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी यानी डबल हो जाएगी उसकी। Therefore, what we see as an image is very different from a shadow. इसीलिए हम देख पाते हैं कि जो शेडो बनती है, छाया बनती है, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है इमेज। Turn the page. Characteristics of images formed by a plane mirror. यानी जो plane mirror होता है उसमें जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या characteristics होती है। When we stand in front of a plane mirror, we see our इमेज इन इट। यानी जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें हमारी इमेज उसमें दिखाई देती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर आर लिस्टेड बिलो। अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी है इसके लिए। द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी जो इमेज जो बनती है वो कहाँ पर बनती है, मिरर के बिहाइंड यानी पीछे की तरफ बनती है मिरर में, और ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, फ्रंट पे रहता है और मिरर के पीछे की तरफ इमेज बनती है। द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो साइज होती है इमेज की वो किसके बराबर होती है, ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर ही होती है। द इमेज शोज लेटरल इन्वर्जन। और जो इमेज शो होती है वो लेटरल इन्वर्जन में यानी उल्टी दिखाई देती है। इन अदर वर्ड्स द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड वाइस वर्सा। यानी राइट वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट में दिखाई देता है और लेफ्ट वाला पार्ट राइट में दिखाई देता है यानी उल्टा दिखाई देता है। यूजेज ऑफ अ प्लेन मिरर। यानी देखो अब प्लेन मिरर के क्या क्या यूजेज हैं। अ प्लेन मिरर इज यूज एज अ डेकोरेटिव पीस, लुकिंग ग्लास एंड एज अ ड्रेसिंग मिरर। यानी जो प्लेन मिरर होता है उसका यूज डेकोरेटिव सामानों को बनाने के लिए किया जाता है, लुकिंग ग्लास के लिए, ड्रेसिंग मिरर के में किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक कैलिडियोस्कोप, पेरिस्कोप एंड बॉक्स टाइप सोलर कुकर्स। इसके अलावा प्लेन मिरर का यूज किस में किया जाता है, कैलिडियोस्कोप, इस तरह का होता है कैलिडियोस्कोप, और ये होता है पेरिस्कोप, और बॉक्स टाइप सोलर कुकर्स यानी खाना पकाने के लिए जो बॉक्स टाइप सोलर कुकर्स यानी जो सन की एनर्जी होती है ना उससे इसमें खाना पकता है सन की एनर्जी से, तो ये सोलर कुकर्स जो होते हैं ये इनमें किसका यूज़ किया जाता है, प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है। पेरिस्कोप इज़ अ यूजफुल डिवाइस। ये जो पेरिस्कोप है ये एक यूजफुल डिवाइस है विच इनेबल्स अस टू सी अराउंड द कॉर्नर्स एंड अबोव द बेरियर्स, जिसकी सहायता से हम हमारे जो कॉर्नर्स हैं उनमें भी आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा बेरियर्स, जो भी बेरियर्स होते हैं उनके ऊपर की चीज़ों को भी हम इससे देख पाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सबमेराइंस। यानी जो पनडुब्बियाँ होती है ना, पनडुब्बियाँ पानी के अंदर, उनमें इसका यूज़ किया जाता है पेरिस्कोप में अंदर की चीज़ों को देखने के लिए। कैलिडोस्कोप इज़ अ मॉडल बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन बाई मिरर्स इन स्क्रीन बाई एट एन एंगल। यानी किसी भी एंगल से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को देखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कैलिडियोस्कोप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखो, इमेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम शेडोज। यानी जो शेडो बनती है, छाया बनती है, उससे डिफरेंट होती है कौन, इमेजेस, यानी दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इमेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम शेडोज। यानी ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इमेजेस जो होती है वो शेडो से डिफरेंट होती है। शेडोज आर फॉर्म ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन टू द पाथ ऑफ लाइट बाई एन ऑब्जेक्ट वाइल इमेजेस आर फॉर्म बाई लाइट रेस इट्सेल्फ। यानी जो शेडोज जो बनती है वो ऑब्स्ट्रक्शन यानी जो लाइट का पाथ है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है जिसकी वजह से बनती है, जबकि जो इमेजेस बनती है वो लाइट रेस खुद बनाती है। शेडोज आर ब्लैक वाइल द इमेजेस इमेज इज ऑफ द सेम कलर एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
जो शेडो बनती है वो कौन से कलर की बनती है, ब्लैक कलर की बनती है, जबकि जो इमेज बनती है वो उसी कलर की होती है जिस कलर का ऑब्जेक्ट है। यूजुअली शेडोज आर ऑफ द सेम शेप एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो शेडो बनती है उसकी जो शेप होती है वो किसके बराबर होती है या किसके जैसी होती है, ऑब्जेक्ट के जैसी ही होती है। बट शो नो अदर डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट, लेकिन जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मान लो शेडो बनती है तो उसमें हम शेप को देख सकते हैं ओनली, बाकी डिटेल्स हमें पता नहीं लगती है उस ऑब्जेक्ट के बारे में। यूज एन इमेज इज ऑफ द सेम शेप एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज होती है वो भी सेम शेप की होती है ऑब्जेक्ट की। इट ऑल्सो हैज ऑल द डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेकिन हम किसी भी इमेज को देख के उसके बारे में पूरी डिटेल बता सकते हैं, यानी कलर बता सकते हैं, शेप बता सकते हैं और भी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन शेडो को देख के ओनली शेप को बताया जा सकता है, बाकी और डिटेल पता नहीं लगती है इससे। शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड बाई एन ओपेक ऑब्जेक्ट, और शेडो कब बनती है, किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट से जब लाइट गुजरता है तो उस टाइम पे उस वो क्या हो जाता है, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, इसकी वजह से शेडो बनती है। दे रिप्रेजेंट द एरिया वेयर नो लाइट फॉल्स, ये जो शेडो है वो किसको किसको शो करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है कि उस एरिया में कोई लाइट नहीं गिरी है, जहाँ पर लाइट नहीं गिरती है वहाँ पर बनता है ये। Therefore shadows are black. इसीलिए जो shadows बनती है वो कैसी होती है, black color की होती है। On the other hand the image of an object is formed in a different way. जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो images बनती है किसी भी object की वो अलग अलग तरीके से बनती है। An image is formed when light from the object reaches our eyes after reflection from the plan mirror. और image कब बनती है, कोई भी plan mirror में, जब object का क्या बनता है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है प्लेन मिरर में, और वो रिफ्लेक्ट जो लाइट है वो कहाँ तक पहुँचता है, हमारी आईज तक पहुँचता है और हमें कोई भी इमेज दिखाई देती है। व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एक्चुअली फॉल्स ऑन आवर आईज, यानी कि जब लाइट एक्चुअली हमारी आँखों पे गिरता है, वी कैन सी ऑल द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द इमेज, और जब लाइट हमारी आईज तक पहुंचती है रिफ्लेक्टेड लाइट, तो हम उस इमेज के बारे में पूरी डिटेल बता सकते हैं, यानी वो किस कलर की है, क्या शेप है उसका, और भी चीज़ें हम उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ओके, बाय।